नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों, आज हम MySQL प्रिपेयर स्टेटमेंट करेंगे। तो ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है, ये जनरल क्वेरीज से ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होता है और ये ज़्यादा सिक्योर होता है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में 3 स्टेप्स हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है। हम प्रिपेयर करते हैं पहले स्टेटमेंट को, जो क्वेरी होता है उसको हमें पहले क्रिएट करना होता है। उसके बाद 2nd स्टेप में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर 3rd स्टेप में जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, फिर हम डीलोकेट करते हैं। तो डीलोकेट करने से जब हम जो मेमोरी असाइन किया होता है उसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस मेमोरी को वो डीएलोकेट कर देता है, नहीं तो फिर वो बेकार में स्पेस लेते रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, और मुझे यहाँ से रिकॉर्ड्स निकालना है स्टूडेंट नेम के हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पे नेम है प्रीतम, और मुझे प्रीतम के नाम का जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड्स है वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम डालते हैं। हम जनरली ऐसे करते हैं, पर प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे नेम नहीं डालेंगे। हम नेम की जगह में क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और हम एक वेरिएबल से इस नाम को बाद में पास करेंगे एग्जीक्यूट करने के टाइम। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, जैसे कि अभी ये स्टेटमेंट है, इसको मुझे प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे पहले लिखना होगा प्रिपेयर, उसके बाद प्रिपेयर्ड, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम एक देना होगा। इसको एक वेरिएबल जैसा मान सकते हैं, तो नाम हम देते हैं ST1। उसके बाद फ्रॉम, तो प्रिपेयर हमें करना है ST1 को इस क्वेरी से। और इसमें एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होगा, इसको कोटेशन के अंदर लिखना होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है पूरा। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, तो ST1 प्रिपेयर हो चुका है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले हम एक वेरिएबल से नाम पास करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमें एक वेरिएबल असाइन करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट, और फिर हमें लिखना होगा @, ये कीवर्ड डालना होगा @। उसके बाद जो भी नाम देना है अपना चॉइस से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। नेम इज इक्वल टू, अभी मुझे यहाँ पे वो नाम देना होगा जो यहाँ पे है, जिस नाम का रिकॉर्ड ढूंढना है वो हमें यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है प्रीतम का रिकॉर्ड, और फिर सेमी कोलोन। तो हमारा वेरिएबल भी क्रिएट हो चुका है नेम नाम से, और एक स्टेटमेंट भी हमने बनाया है ST1 नाम से। तो अब 2nd स्टेप है एग्जीक्यूट करने वाला, एग्जीक्यूट अब हमें स्टेटमेंट जो हमने बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा स्टेटमेंट का नाम ST1 है, एग्जीक्यूट ST1। उसके बाद वेरिएबल डालना होगा, तो वो हम यूजिंग ऑपरेटर से करेंगे, एग्जीक्यूट ST1 और वेरिएबल है नेम। तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने नाम डाला था यहाँ पे प्रीतम, उसका ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर अभी मुझे दूसरा कोई नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में सिर्फ चेंज कर दूंगा उस नाम को, और फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो वेरिएबल के पास वो नाम है ऑलरेडी, अपने आप उसके मोहित उसके अंदर चला जाएगा, और फिर ये उस नाम का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं पहले, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर 3rd स्टेप जो हमने देखा था डी एलोकेट करना, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसको एक मेमोरी एलोकेट किया गया है यहाँ पे, तो उसको डी एलोकेट भी करना होगा। तो हम लोग डी एलोकेट के लिए हमें लिखना होगा डी एलोकेट प्रिपेयर, डी एलोकेट, फिर उसके बाद प्रिपेयर को डी एलोकेट करना है।
और उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट था उसका नाम, तो हमारा स्टेटमेंट का नाम ST1 था, फिर सेमी कोलोन। तो अभी ये एलोकेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर स्टेटमेंट बना सकते हैं MySQL में।